मौजूद नाजरी चर्च के अंदर जहाँ पर जीसस रॉक मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की 5वीं सालगिरह है और मेरे साथ जो है पास्टर नदीम मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये 5 साल का जो अरसा है ये किस तरह आपने कंप्लीट किया और आगे क्या प्लान है आपका, जी सर बताइएगा। मसीह यीशु के अजीम जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ये 5 साल जिस तरह भाई ने क्वेश्चन किया कि 5 साल कैसे गुजरे और आने वाले वक्तों में आपके क्या प्लान हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 5 साल खुदा ने बा बरकत गुजरे और खुदा ने बड़े जलाल के लिए हमें अपने इस्तेमाल किया और ये जो आने वाले अयाम हैं वो खुदावंद के हाथों में है और खुदावंद आगे भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारी जो गॉस्पल सिंगर्स भी आए, पास्टर साहिबान भी आए मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से और उन्होंने ये बताया कि स्टार्ट हम लोगों ने इकट्ठे किया था, तो एक कैसा ये प्लान बनाया कि आपने दूसरे पास्टर साहिबान को भी अपनी मिनिस्ट्री में आज के दिन के लिए बुलाया? सर देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी एक है तो फिर हमारी राहें डिफरेंट नहीं होनी चाहिए और कलाम में भी लिखा है कि आप ही मुबारक है भाई भाई जो है हम मिलकर रहे। तो आज मेरे तमाम हम खिदमत भाई यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे, मुझे ब्लेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। मैं अपने तमाम उन खादीम का शुक्रगुजार हूँ खुदाम का कि जो आज मेरी इस खुशी के अंदर मेरे साथ शामिल थे और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से मुझे बाबरकत ठहराया। मैंने यहाँ पर देखा कि आपके मिनिस्ट्री में आपके घर वाले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, आपकी मिसिज, आपके पेरेंट्स, आपके भाई वगैरह, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छी मिनिस्ट्री को कामयाब होने के लिए इस सारे लोगों का जो है एक होना ज़रूरी है, इस पे क्या कहेंगे आप?
सर डेफिनेटली जब तक आपके घर वाले आपके साथ ना होंगे, आपका ख़ानदान आपके साथ नहीं होगा, तो वो कभी भी मिनिस्ट्री बाबरकत नहीं ठहरेगी। सबसे पहले मिनिस्ट्री जो है वो आपके घर से स्टार्ट होती है, और जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं देन दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपके मिनिस्ट्री का चर्च है कहीं आप? जी बिल्कुल, हमारा चर्च जो है बाहर कॉलोनी गिल चौक में है। हम एवरी ट्यूसडे जो है फेलोशिप मीटिंग करते हैं, शाम 6 से 9 बजे गिल चौक में हमारा घर है, हम वहाँ पर इबादत करते हैं। अभी तक कितने मेंबर आपके हो चुके हुए? सर हम 100 प्लस में लोग हैं हमारे पास। और आपकी जो मिनिस्ट्री की कन्वेंशन वगैरह होती हैं पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं कि सिर्फ लाहौर के अंदर ही भी कर रहे हैं? सर हम डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहे हैं। जैसे मैंने आज भी बताया कि हम भट्टों पर भी खिदमत कर रहे हैं, हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं, जो लोग डिज़र्व करते हैं हम उन तक भी खुराक को पहुँचा रहे हैं। और जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है बच्चों की फ़ी के लिए, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, हम लोग जाकर उनके बच्चों को जो रियली डिज़र्व करते हैं और जिनके पेरेंट्स वाकई ही फीस बच्चों की अफोर्ड नहीं कर पाते, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये प्लान आपका अच्छा है कि फीस देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फीस के साथ साथ स्कूल का होना भी जरूरी है, कि आपकी मिनिस्ट्री को प्लान बना रही है कि इस तरह का स्कूल लेके आए। कहते हैं गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एनी बिलीवर, यू आर बिलीवर, गॉड हैज़ प्लान योर लाइफ। सो खुदा के मंसूबे भले हैं, जैसे जैसे खुदा आपके लिए वसाइल मुहैया करेगा उसके मंसूबे रास्त हैं। खुदा कलाम में लिखा है तो खुदा के फरोतन हाथ के नीचे वो तो ये वक्त पर सर बुलंद करेगा। और ये जो जैसे भाई ने कहा आपके प्लान में है कि क्या स्कूल वगैरह तामीर करने का, सो ये खुदा उनके हाथ में है ब्रदर। प्लान जो हैं वो बहुत बड़े हैं, पर तामीर करने वाला खुदा है। अजय, जिस तरह आपने 5 साल का जो अरसा कंप्लीट किया है, खुदावंद को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे आपको। आने वाली मिनिस्ट्री को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सर मैं आने वाली मिनिस्ट्री को तमाम उन नौजवानों को जो खुदा की खिदमत के लिए खड़े हो रहे हैं, कलाम में लिखे क्या ही मुबारक है वो लोग जो जवानी के याम में अपने खुदा को याद करते हैं। सो खिदमत जो है ये बाबरकत प्लेस है, और ये खुद से नहीं होती, ये इसमें लिखा है कि खुदा बुलाता है अपने लोगों को और हम सब बुलाए गए हैं। सो आने वाली तमाम नौजवानों को मेरा यही मैसेज है कि अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करें ताकि वो खिदमत में आए और बहुत सी रूहों को खुदा उनके लिए जीते। क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका पास्टर साहब। जिस तरह आप कह सकते हैं कि जीसस रॉक मिनिस्ट्री के जो चेयरमैन और फाउंडर नदीम साहब, इनका ये बड़ा अच्छा प्लान है कि हम क्या क्या अपनी मिनिस्ट्री के साथ साथ अपनी जो क्लीसिया है उसके लिए पैगाम लेके आ रहे हैं, प्लान लेके आ रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर भट्टों के जाकर प्रे वगैरह करना, इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं आगे और भी आनी चाहिए। जिस तरह पास्टर साहब ये प्लान लेके आ रहे हैं कि हम खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और साथ क्लीसिया को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसी मिनिस्ट्रीज़ को पाकिस्तान में और भी जो है वो काम करने चाहिए और मसीह कौम के लिए नाम रोशन करना चाहिए।